अभी तक हमने देखा पीएच ग्राफ डाइजेशन में कैसे चलता है, फिर हमने देखा टूथ डिके में पीएच कैसे काम करता है। अब हम देख लेते हैं सॉइल में पीएच क्या होता है। टेक अ सैंपल ऑफ सॉइल एंड डिजोल्व इट इन वाटर। एक सॉइल का सैंपल ले लें और उसे पानी में डिजोल्व कर दें। ये एक थोड़ी सी एक एक्टिविटी है। नाउ फिल्टर दिस सॉल्यूशन टू डू अ टेस्ट विद यूनिवर्सल इंडिकेटर और विद लिटमस पेपर। इस सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर पे लेकर उस पर टेस्ट कर सकते हैं, या तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की ड्रॉप्स डाल सकते हैं या लिटमस पेपर के साथ यूज कर सकते हैं उसको। यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ ये इंडिकेटर होता है जिसमें सारे इंडिकेटर्स को मिक्स कर देते हैं हम, तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर मिल जाता है। इफ अ सॉइल इज मोर एसिडिक वी कैन यूज बेसिक सब्सटेंस एज ए चॉक, क्विक लाइम, स्लेक लाइम टू न्यूट्रलाइज इट। अगर सॉइल एसिडिक हुई तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी, तो बेसिसिटी डालने के लिए हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चॉक हो गया, क्विक लाइम हो गया, स्लेक लाइम हो गया, इससे सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अगर सॉइल जो है वो बेसिक हुई तो एसिडिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज मेन्योर एंड कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। जो बहुत सालों से डेड प्लांट और एनिमल्स की जो बॉडीज होती हैं वो डिके होती रहती हैं, तो उससे हमें कॉम्पोस्ट मिल जाती है। वो कॉम्पोस्ट की जो कंटेंट है वो एसिडिक कंटेंट होता है। वो कंटेंट को जब आप बेसिक सॉइल में डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन एक्शन वहाँ भी देखने को मिलेगी और सॉइल जो है वो दोबारा फर्टाइल हो जाएगी।